नमस्कार, मैं मुकेश दक्ष और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लिए दिल्ली से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी इकाई की कोर ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक अमित शाह के आवास पर हो रही है। सूत्रों से पता चला है कि 24 सितंबर की शाम को संबंधित नेताओं को सोमवार सुबह तक राजधानी पहुंचने के लिए कहा गया था। इस पर एक बीजेपी नेता ने बताया कि बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी और बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। भाजपा की राष्ट्रीय इकाई से तरुण चुग और आशीष सूद, जो पार्टी के जम्मू कश्मीर विंग के प्रभारी और सह प्रभारी हैं, वो भी बैठक में भाग लेंगे। भाजपा जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना, संगठनात्मक सचिव अशोक कौल, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता, पीएम और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, लोकसभा सांसद जुगल किशोर, महासचिव देवेंद्र मन्याल, सुनील शर्मा और बैठक में विबोद गुप्ता और सत शर्मा, शक्ति परिहार, देवेंद्र सिंह राणा, सुनील शेट्टी समेत तमाम नेताओं को बुलाया गया है। बैठक के संभावित एजेंडे की ओर इशारा करते हुए एक भाजपा नेता ने कहा कि बैठक के एजेंडे में आगामी शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होने की संभावना है। अगले महीने नगर निगम चुनाव और नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव होने की उम्मीद भी बताई जा रही है। हालांकि घाटी में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने की प्रक्रिया जोरों पर है, लेकिन तारीखों पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है जो आगामी चुनावों में पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वह शहरी स्थानीय निकाय चुनाव हो या अगले साल मार्च अप्रैल में होने वाले संसद चुनाव हो। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि खराब सड़क की स्थिति के बावजूद सामा में स्मार्ट मीटर की स्थापना और टोल टैक्स सहित क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे भगवा पार्टी के खिलाफ गए हैं, और इन मुद्दों पर 2 बार जम्मू बंद भी बुलाया गया था और वो बंद भी सफल देखने को मिला है। इसके अलावा आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर, सरोवर टोल जैसे मुद्दों ने भाजपा को बैकफुट पर ढकेल रखा है, जिसकी वजह से भाजपा के खेमे में चिंता का माहौल बना हुआ है। इन सभी मुद्दों के बाद आ जाता है उमर अब्दुल्ला का बयान, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि चुनाव में अगर 50% लोगों ने नोटा दबाया तो वे राजनीति छोड़ देंगे। तो इस तरीके के बयान और तमाम मुद्दों ने बीजेपी को चिंतन करने पर मजबूर कर दिया है, इसलिए लगातार भाजपा चुनाव को लेके बैठक पर बैठक किए जा रही है। अब इस बैठक का क्या नतीजा निकल के आता है, ये देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।